शुरू करें। बोलने तो दो पहले। अरे वो एक आदमी है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, ये फैसला दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जीत है। ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी के संघर्षों की जीत है, उनके जज्बे की जीत है, उनके लगन की जीत है। और जो धुन अरविंद केजरीवाल जी के मन में थी, जो लगन थी, जो इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए वो सब कुछ करके दिखाना है जो सपना हमने देखा है, जो सपना आम आदमी पार्टी ने देखा है। लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं थी, लड़ाई इस बात के लिए थी कि एक पार्टी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को सजा दे रहे थे कि तुमने आम आदमी पार्टी को कैसे चुन लिया, तुमने अरविंद केजरीवाल को कैसे चुन लिया। हम तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देंगे, हम तुम्हारे सरकारी स्कूल नहीं बनने देंगे, हम तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने देंगे, अरे हम तुम्हारे घर घर के राशन पहुंचाने की योजना तक पे रोक लगाएंगे। ये जो एक दुर्भावनापूर्ण राजनीति थी, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दुर्भावनापूर्ण राजनीति के ऊपर विराम लगाने का काम किया है। और इस फैसले ने यह भी साबित किया है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का गला घोट रही थी, किस तरीके से उनके काम में अड़ंगे डाल रही थी, किस तरीके से उनके काम में रोड़े अटका रही थी, यह आज इस फैसले से साबित हुआ है। तो इसके लिए दिल्ली के वो 2 करोड़ लोग जो अपने लाल अरविंद केजरीवाल के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे, वो सब बधाई के पात्र हैं। अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं जो इतनी दुश्वारियों में, इतनी मुसीबतों में भी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन सरकार चला के दिखाया। केजरीवाल जी का गुनाह क्या था, क्या गलती थी उनकी? उन्होंने कहा हमें दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे करने हैं। कौन से सरकारी स्कूल? जो केजरीवाल साहब के मुख्यमंत्री बनने के पहले जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे, वहां टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, उन सरकारी स्कूलों को अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने इतना बेहतरीन बनाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने जो सरकारी स्कूल बनाया वो स्कूल देखना है। यह काम उन्होंने किया। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना, 8 साल से इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है, यह काम दिल्ली में किया। मोहल्ला क्लिनिक का एक बेहतरीन मॉडल दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। डोर टू डोर राशन की स्कीम लागू करना चाहते थे, नहीं होने दिया। मोहल्ला क्लिनिक की संख्या बढ़ाना चाहते थे, उस पर रोक लगा के बैठे। हर काम में रोड़ा, हर काम में रोक, हर काम में परेशान करना। लेकिन जो कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, वो बात आज सब सच साबित हुई। और यह भी सच साबित हुआ, लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जनता मालिक है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही सर्वोपरि है। कोई एलजी, कोई लाट साहब, कोई राज्यपाल सर्वोपरि नहीं है। कोई लाट साहब बॉस नहीं हो सकता एक चुनी हुई सरकार के ऊपर। लेकिन एक अजीब खेल खेलते थे मोदी जी,
दो करोड़ लोग प्रचंड बहुमत से चुन के अरविंद केजरीवाल जी को भेजते थे, वो इनके ऊपर एक लाट साहब बिठाल देते थे, वो कहते थे डंडे से चलाओ, फिर दोबारा चुन के भेजते थे, फिर डंडे से चलाओ, फिर तो ये एक प्रक्रिया चल रही थी। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप इस देश के अभिभावक हैं, आपको इस देश के 140 करोड़ लोग अपने अभिभावक के रूप में देखते हैं। दुर्भावना की राजनीति बंद कीजिए, राज्य सरकारों का गला घोटने की राजनीति बंद कीजिए। अरविंद केजरीवाल से आपकी लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन उनके उनको जिस जनता ने चुना है उसको सजा मत दीजिए, उनके बच्चों को सजा मत दीजिए, उनके स्कूलों को मत रोकिए, उनके अस्पतालों को मत रोकिए। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मोदी सरकार की तानाशाही, लाट साहब की तानाशाही और लोकतंत्र का गला घोटने के प्रयास पर एक जोरदार तमाचा है, एक जोरदार तमाचा है ये निर्णय। और मैं समझता हूं कि अब आगे सहयोगात्मक रवैया मोदी सरकार को अपनाना चाहिए, आगे अरविंद केजरीवाल के कामों पर किसी भी प्रकार का अब तो अड़ंगा लगाने की कोई गुंजाइश आपके लिए बची नहीं, लेकिन अब कोई मन में नई योजना बनाकर प्रयास मत कीजिए और ऐसा काम सहयोगात्मक रवैया अपनाइए कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को भी लगे कि इस देश के संघीय ढांचे में आपका यकीन है, इस देश के लोकतंत्र में आपका यकीन है, इस देश के संविधान में आपका यकीन है और जिस संविधान ने एक सरकार बनाई, जिस जनता ने एक सरकार चुन के दिया, उस जनता को उस सरकार से हर प्रकार का लाभ अपने लिए लेने का अधिकार है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब तक हमारे साथ यह होता रहा कि हमारे दोनों हाथ पैर बांध के स्विमिंग पूल में फेंक दिया और बोले कि तैर के दिखाओ, ओलंपिक का मेडल लेना है। इतनी विषम परिस्थितियों में इतनी दुश्वारियां हमारे सामने खड़ी की गई, उसके बावजूद इतना अच्छा काम करके दिखाया। अगर शायद ये बाधाएं नहीं होती तो आज दिल्ली की तस्वीर और बेहतरीन होती और अच्छे गति से तेजी से काम हो सकता था। उन अधिकारियों ने जो जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, उन्होंने भी अपराध किया, अपनी ड्यूटी के प्रति गुनाह करके, अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाही करके, अपनी ड्यूटी के प्रति जनता को वरीयता ना देते हुए लाट साहब को वरीयता देके। तो ये मेरी ओर से कहना था कि ये बहुत बड़ी जीत है, लोकतंत्र की जीत है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जीत है, माननीय अरविंद केजरीवाल के संघर्षों, उनके जज्बों, उनके लगन की जीत है। एक ऐसा शख्स जो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश की व्यवस्था को बदलने के लिए निकला था, जो सपना उसने देखा हिंदुस्तान के लिए, जो सपना उसने देखा दिल्ली के लिए, उस सपने को पूरा करने में और तेज गति से वो आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम सब के लिए स्वागत योग्य। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। जब छोक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बड़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।